हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सुंदरनगर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस आपदा काल में भी सरकार का सहयोग करने के बजाय घटिया आरोपों की राजनीति कर रही है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है। उन्होंने अपने वक्तव्य में सरकार पर उठे सवालों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। इनका ये आरोप कि मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आता है, ये कोई मुद्दे की बात ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और उनका ये कहना कि मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए व्यक्तियों को सोचते नहीं, ये कुछ नहीं है, मात्र शब्दों का घटाना बढ़ाना है और शब्दों को ही घटाने बढ़ाने में कांग्रेस लगी है। बेसिकली जो मुद्दा होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आज की डेट में कांग्रेस का ये कहना कि सैनिटाइजर का घोटाला सचिवालय में हुआ है, कांग्रेस इतना उतावली क्यों है? और कांग्रेस को घोटाले की बात करनी है जो घोटाले की जनक रही है, वो अगर घोटाले की बात करती है तो हमारी समझ में नहीं आता। और क्रेडिट लेने के चक्कर में ये कांग्रेस पार्टी लोगों की नजर में अपने आप को तो गिरा रही है, और इस दुख की घड़ी में जो लोगों का मनोबल बनना चाहिए वो मनोबल बनाने के बजाय कांग्रेस लोगों का मनोबल तोड़ने में लगी है। अभी उनका हाल ही में एक बयान आया कि शव को क्यों फूंका गया, ये शव कैसे? इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस आज ये भूल रही है कि किसका शव जलाने के समय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पर आज ये कर रही है। अगर शव दाह बीजेपी के शासन में हो रहा था तो कांग्रेस कहां सोई थी? उस शव दहन को रोका क्यों नहीं गया? कांग्रेस का कोई रोल है? उसका कोई रोल होना चाहिए था, वो रोल कोई नहीं है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको कोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अभी हाल ही में स्वारघाट का मामला आया है, जांच चल रही है, उसको जांच को तो सामने आने दें। और मेरा तो उनसे ये अपील रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी को देखें, जो सवेरे से शाम तक जनता का मनोबल बनाने में लगे हैं। अगर उनका रीस नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी नकल तो कर लें, हमें उस नकल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और कांग्रेस का ये कहना कि बायोमेट्रिक चलाना ठीक नहीं है, ये कांग्रेस कब से साइंटिस्ट हो गई, कब से वैज्ञानिक हो गई? अगर किसी ने सैनिटाइजर का उपयोग किया है उसके बाद अगर बायोमेट्रिक मशीन पे वो अपना थंब इंप्रेशन देता है तो उसमें क्या आपत्ति है? आज कांग्रेस जो है वो दिवालियापन का शिकार है, कोई वैचारिक तरीके से कहीं खड़ी नहीं हो रही है जनता की नजर में। और मजदूरों के लिए और उद्योगों के लिए जो 100% कोलेटरल का जो प्रोविजन केंद्र सरकार ने किया है उससे उद्योग चलेंगे, जनरेशन होगी, और जनरेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें एक पूरा साइकिल बनेगा, उससे लोगों तक पैसा भी पहुंचेगा, प्रोडक्ट भी पहुंचेगा और आर्थिकी हमारी पटरी पे आएगी। सुंदरनगर से हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए देवेंद्र गुप्ता।